केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी से कही ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस की तरफ से देश भर में विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की मंशा के साथ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए व्यापार बेहतर कार्य कर रही है, चीजों को बेहतर करने के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों की राय मशवरा ले रहे हैं, इसलिए आज हम वाराणसी आए हैं। उनका कहना है कि महंगाई कुछ समय के लिए होती है और उस पर काबू प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल की कीमतें करना ही है, ज्योति से देश के बाहर ज़्यादा जा रही है, उन पर रोक लगाई जाएगी। इम्पोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, आज हम बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप कर रहे हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।